प्रधानमंत्री जी, जिंदगी बदलने का बात है तो औद्योगिक विकास का बात होना चाहिए, और खास करके बंगाल में अगर औद्योगिक विकास के बात करें तो सिंगूर का मामला सामने आ जाएगा। ममता बनर्जी के आंदोलन से टाटाज ने जब सिंगूर छोड़ी तो सीधा आपने सानंद में उनका स्वागत कर लिया। आपके मुख्यमंत्री रहने के समय में वाइब्रेंट गुजरात नाम का एक यूनिक सम्मेलन आपने शुरू किया है, जिसका मॉडल पूरे देश में विभिन्न राज्य में फॉलो किया जाता है। अगर कभी बंगाल में आपके पार्टी सत्ता पे आए तो एक औद्योगिक विकास के लिए आपका ब्लूप्रिंट क्या है, और दूसरा इससे जुड़ा हुआ कि युवाओं के नौकरी के लिए आपका क्या प्लान्स है? एक तो बंगाल इस देश का नेतृत्व करता था, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामाजिक सुधार, कोई भी क्षेत्र लीजिए, हिंदुस्तान का 200 साल का इतिहास निकालिए, हर जगह पे बंगाल नजर आएगा जी। इसका मतलब भरपूर पोटेंशियल से भरा पड़ा हुआ है, सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, सही नेतृत्व का अभाव। अगर सही नेतृत्व, सही नेतृत्व मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पॉलिटिकल लीडरशिप, जीवन के हर क्षेत्र में। अब मुझे बताइए जी, फुटबॉल की दुनिया में हर बंगाली के डीएनए में है फुटबॉल, लेकिन मेरा देश मेडल लेके नहीं आता है। अगर मैंने ठीक से उसके पीछे ध्यान दिया होता तो मेरा बंगाल का फुटबॉल पूरी दुनिया में वो नंबर वन पे होता, मतलब है एकदम, वो किसी ने ध्यान है, देना चाहिए था, ट्रेनिंग नहीं है, यानी केयर करनी होती, लीडरशिप देनी पड़ती, किसी को करना होता है। एग्रीकल्चर में क्या नहीं है साहब, कोई मुझे बताए बांग्लादेश के जूट से मेरा जूट वीक क्यों है भाई?